नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष यूनिक ऑनलाइन गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नया पेपर पढ़ने शुरू कर रहे हैं, एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, एक नई ब्रांच शुरू कर रहे हैं जिसमें हम लोग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे। दोस्तों, आप सभी ने मैथमेटिक्स पढ़ी है तो कंप्यूटर साइंस के अंदर ये मैथमेटिक्स होना क्या है, ये थोड़ा सा अजीब लगता होगा, लेकिन ये कोई मैथ्स की ब्रांच नहीं है। ये क्या करता है, लॉजिक को सॉल्व करता है। आप जानते हैं कि कंप्यूटर साइंस की दुनिया में लॉजिक कितना इम्पॉर्टेंट है, लॉजिक का क्या रोल है, ये आप जानते हैं। सपोज करते हैं कि आपको मान लीजिए कोई भी स्टेटमेंट दिया हो, कोई भी चीज़ हो जो कंप्यूटर में इम्प्लीमेंट करनी हो, तो उसको आप क्या करते हैं, लॉजिकली सॉल्व करते हैं। आप अगर सीपीयू का ब्लॉक डायग्राम देखें भैया, तो ब्लॉक डायग्राम में भी आप क्या देखते हैं कि उसमें भी क्या होता है, एक एएलयू होता है, एक क्या होता है, एएलयू होता है। सीपीयू के ब्लॉक में आपने देखा होगा कि दो पार्ट्स होते हैं, क्या होता है, एक आपका एएलयू होता है और एक सीयू होता है। एक क्या होता है, सीयू। इस एएलयू का मतलब क्या होता है, अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट। तो इसमें भी एक वर्ड आया है लॉजिक। तो किसी भी लॉजिक को सॉल्व करने के लिए हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का यूज करते हैं। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी आप मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हो, ये चैप्टर, ये सब्जेक्ट आपको मैथमेटिक्स में भी पढ़ने को मिलता है। मैथमेटिक्स में भी एक पेपर होता है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, लेकिन इसको हम प्रोग्रामेटिकली भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स होती है इसको हम प्रोग्रामिंग के थ्रू भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स मैथ्स की ब्रांच नहीं, बल्कि ये डिस्क्रिप्शन है किसी भी लॉजिक का। किसी भी लॉजिक को प्रूव करना है या डिसप्रूव करना है, ये हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के थ्रू स्टडी करते हैं। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आपकी हर जगह पर यूज होती है, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, मैथमेटिक्स में, कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में, और भी बहुत सारी ब्रांचेज हैं दोस्तों जिसमें डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का यूज किया जाता है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स लॉजिकल यूनिट में भी यूज होता है, और किसी भी सर्किट को डिज़ाइन करते समय या आपके पास कोई प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है तब भी आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। किसी भी लॉजिक को समझने के लिए हमको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को इन सब बातों के बाद एनालाइज करने की कोशिश करें तो हम देखते हैं इसमें एक वर्ड आता है, वो है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब क्या है, डिस्क्रीट का मतलब आपको मैंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बहुत अच्छे से समझाया था, आप उसको भी देख सकते हैं। अगर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का मेरा पहला लेक्चर देखें आप, तो उसमें भी आपको डिस्क्रीट का और एनालॉग का अच्छा एग्जाम्पल मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो फिर भी मैं अपार्ट फ्रॉम दैट हम डिस्कस करेंगे कि डिस्क्रीट क्या है और एनालॉग क्या है, या डिस्क्रीट का मतलब क्या है और कौन सी मैथमेटिक्स है जिसको हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कहेंगे। चलिए तो एक छोटे से एग्जाम्पल से लेते हैं, वही मेरा क्लॉक वाला एग्जाम्पल आप याद रखिए। आपके घर में दो तरह की क्लॉक होती हैं, एक वो ऐसी वाली क्लॉक, एक तो आपकी ऐसी वाली क्लॉक जो कि आपके पास होती है, ये एक इस तरह का जो क्लॉक होता है जिसमें आपकी निडल लगी हुई होती है, है ना, आपकी निडल लगी हुई होती है और आप जो है उसका यूज करते हैं। ठीक, ये आपका एक एनालॉग क्लॉक हो गया, यहाँ पर टाइम लिखा होता है आपका, है ना, इस तरह से क्लॉक आप देखते हैं।
ऐसी क्लॉक आपने देखी होगी, ठीक है। मान लेते हैं ये आपका सेकंड है, ये आपका मिनट है और ये आपका आर है, ठीक है। इस तरह से आपका टाइम आप मेजर करते हो और आप एक दूसरी भी क्लॉक देखते हो। दूसरी क्लॉक में आपने क्या देखा है कि वो टाइम क्या देगा, डायरेक्टली आपको ऐसे दे देगा। मान लीजिए कि ये एक टाइम है, इसको मैं रिलेट नहीं कर रहा हूँ, ऐसे मैंने लिखा है। मान लिया ये एक टाइम है, ये टाइम को आप देखो तो पहली बात तो ये डिजिट्स में है और ये क्या है, डिस्क्रीट है, ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं, ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए क्या है, डिस्क्रीट है। और डिस्क्रीट का मतलब सेपरेट से समझिए, डिस्क्रीट का मतलब अलग से समझिए, डिस्क्रीट का मतलब कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है, डिस्क्रीट का मतलब कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। अगर आप सर्टन टाइम पर इसको और इसको दोनों को मेजर करें तो अगर आप इसको देखेंगे तो उस पर्टिकुलर टाइम पर ये फिक्स होगा और कुछ समय के बाद ये चेंज होगा, लेकिन अगर इसको ध्यान से देखें तो ये कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है, ये भी चेंज होता है, लेकिन इसके टाइम को आप जो है अगर ध्यान से समझें तो आपको लगेगा कि हाँ ये चेंज समय पर हो रहा है, तो ये रुक रुक के आप कह सकते हो कि चेंज होता है, ये भी रुक रुक कर होता है, एक सेकंड के बाद ही चेंज होगा, लेकिन चूंकि आपका जो माइंड होता है, आपका जो माइंड होता है वो क्या करता है, सबसे पहले आर मिनट सेकंड तीनों को देखेगा और तब जा करके आपके माइंड में एक डिजिट बनाता है, एक शार्प डिजिट बनाता है, एक शार्प सिग्नल बनाता है। लेकिन अगर हम इस डिस्क्रीट क्लॉक की बात करें, इस डिस्क्रीट क्लॉक की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो डिस्क्रीट क्लॉक में क्या होता है कि ये आपको सारी वैल्यूज डिजिट्स में दिखा रहा है और ये कॉन्टिन्यूसली चेंज नहीं हो रहा है, ये क्या है आपका, एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होता है। और भी अगर बात करें, हमारे पास अगर मान लीजिए कि ऐसी कोई वैल्यूज हो जिनका हमको ग्राफ ड्रॉ करना हो, जिनका हमको ग्राफ ड्रॉ करना हो, मान लीजिए कि हमारे पास ऐसी वैल्यू है 1, 2, 3, 4, 5, ये मान लीजिए हमारे पास वैल्यू है और हमारे पास इस तरह का एक ग्राफ है, एक है हमारा एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, इस पर हमको एक ग्राफ ड्रॉ करना है। अगर हम इस ग्राफ को ड्रॉ करें और मान लीजिए कि हमारा ये पॉइंट जीरो, यहाँ से अगर मान लीजिए हमारा जीरो है, जीरो, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, और इस पॉइंट को वाई एक्सिस पे हमको शो करना है, तो यहाँ पे हमने लिया वन, यहाँ पे टू, यहाँ पे थ्री, यहाँ पे फोर, यहाँ पे फाइव, इस तरह से हम अगर देखें तो ये हमको पॉइंट कहाँ मिलेगा, वन वन वन, अगर इसको देखें ये कहाँ मिलेगा, टू टू, ये कहाँ मिलेगा, थ्री थ्री, ये कहाँ मिलेगा, फोर फोर, ये कहाँ मिलेगा, फाइव फाइव। अगर मैं इसको ऐसे मैच कर दूं, ये डिस्क्रीट हो गया, ये क्या हो गया, एक सेपरेट पॉइंट यहाँ पे मिल गया, ये पॉइंट यहाँ मिल गया, ये यहाँ मिल गया, ये यहाँ मिल गया, इस तरह से हमने ग्राफ को ड्रॉ कर लिया। आप चाहें तो इसको कोऑर्डिनेट पहले लिख लो, वन वन, वन टू, या आप टू टू, थ्री थ्री, फोर फोर, हमने इस कोऑर्डिनेट को इस ग्राफ में रिप्रेजेंट करा। अब हम क्या करते हैं, हम कुछ ऐसे पॉइंट्स को लेते हैं जैसे 0.1, 0.01, 0.001, 0. इस तरह की वैल्यू लेते हैं, या आप इस तरह की अगर वैल्यू लेते हो 0.1, 0.2, 0.22, 0.23, 0.24, 0.25, इस तरह की वैल्यू लेते हो और इसको अगर ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हो,
अगर मान लिया इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हो और इधर वन है, इधर टू है, इधर थ्री है, इधर फोर है, इधर फाइव है, और ये अगर एक्स एक्स वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करना सपोज कर लेते हैं, तो उस समय पे आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? वन टू थ्री फोर फाइव। अब इसको आप जब रिप्रेजेंट करना शुरू करोगे भैया, तो ये कैसे रिप्रेजेंट करोगे? यहाँ 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 यहाँ, ऐसे ऐसे आपको ये एकदम साथ साथ लगभग नज़दीक 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 पॉइंट मिलते रहेंगे। तो आप देख क्या रहे हो कि ये कॉन्टिन्यूसली सिग्नल हमको मिलते जा रहे हैं, ठीक है? ये सिग्नल क्या हो रहे हैं? कॉन्टिन्यूसली मिल रहे हैं। तो जब सिग्नल इस तरह के कॉन्टिन्यूसली मिलने लगे, तो ये डिस्क्रीट नहीं होता। ये क्या होता है? डिस्क्रीट नहीं होता है। लेकिन अगर इसमें हम देखें तो ये पॉइंट क्या है? किसी पर्टिकुलर स्लॉट पर मिल रहे हैं, ये क्या है? डिस्क्रीट है। तो ये एक छोटी सी बात थी, डिस्क्रीट और एनालॉग बोल सकते हैं आप, या इसको कॉन्टिन्यूस बोल सकते हैं। तो ये कॉन्टिन्यूस मैथमेटिक्स है और ये क्या है? डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है। ये क्या है? डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, जिसमें क्या हो जाए, सारे पॉइंट्स हमको डिफरेंट डिफरेंट मिल जाएं, वो क्या है? डिस्क्रीट पॉइंट सिग्नल कहलाता है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल कहलाता है, या आप कह सकते हो ऐसी मैथमेटिक्स, अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी यूज डिस्क्रीट पॉइंट और डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ठीक है? बट रादर देन यू कैन से डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज नॉट अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, बट इट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ मैथमेटिक्स या डिस्क्रिप्शन ऑफ लॉजिक, इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। तो थोड़ा सा हम लोग इसके डेफिनेशन की तरफ चलते हैं और इसके डेफिनेशन को देखते हैं। तो डेफिनेशन इसकी क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसकी डेफिनेशन क्या होगी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की? अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट डिस्क्रीट पॉइंट्स ऑफ मैथमेटिक्स, डिस्क्रीट पॉइंट ऑफ मैथमेटिक्स। व्हाट इज डिस्क्रीट? व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड डिस्क्रीट? अगर हमको इस डिस्क्रीट को डिफाइन करना हो, अगर इस डिस्क्रीट को डिफाइन करना हो, तो इस डिस्क्रीट को हम क्या लिख सकते हैं? डिस्क्रीट का मतलब क्या है? डिस्क्रीट का मतलब होता है ऐसे पॉइंट्स जो कि कॉन्टिन्यूअस ना हो, सच टाइप ऑफ पॉइंट्स विच आर नॉट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है? तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? डिस्क्रीट पॉइंट, ठीक है? तो डिस्क्रीट का मतलब विच आर नॉट कॉन्टिन्यूअस, अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी यूज डिस्टिंक्ट पॉइंट, या आप इसको दूसरे वर्ड में डिस्टिंक्ट भी कह सकते हो, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ठीक है? तो ये क्या है, एक तरह का आप कह सकते हो, ये जो है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की छोटी सी एक छोटा सा डेफिनेशन मैंने दिया है, और बाद बाकी आपको नोट्स भी दिया जाएगा इसका, तो आप वहाँ से भी इसको स्टडी कर सकते हैं। होप ये सभी चीज़ें जो मैंने आपको बताई ये समझ में आई होंगी। और अगला जो हम थोड़ा सा इसमें बात करेंगे वो है कोर्स ओवरव्यू के बारे में। तो आप जानते हैं कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने के पहले हमको ये जान लेना भी चाहिए कि क्यों पढ़ें, इसको हम क्यों पढ़ें, और कंप्यूटर साइंस की दुनिया में इसका क्या यूज़ है। तो थोड़ा सा हम इसको जानेंगे, why discrete mathematics, ठीक है? तो discrete mathematics हमारा क्या
क्या करता है, किसी भी लॉजिकल ऑपरेशन को इजीली सॉल्व करता है। मान लीजिए कि आपको एक घर है, इस घर पर आपको जाना है अपने घर से, ठीक है, ये आपका घर है और ये आपके फ्रेंड का घर है, ठीक है, ये आपके फ्रेंड का घर है, यहां से यहां तक आपको जाना है और इसका एक पाथ है, इसका एक पाथ है, आप यहां आते हो और यहां से चलना शुरू करते हो, फिर यहां से यहां पहुंचते हो, फिर यहां से यहां पहुंचते हो, फिर इसके घर में पहुंचते हो। तो ये एक सिंपल वे रहा, इस वे से आप यहां तक पहुंच सकते हो। लेकिन अगर हम इसके लिए कोई एक सिंपल सा पाथ बता दें कि भैया आप यहां से सीधे इसको कनेक्ट कर दो, तो ये क्या है, एक शॉर्टेस्ट पाथ मिल जाएगा आपको। क्या मिल जाएगा, एक शॉर्टेस्ट पाथ मिल जाएगा। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में किसी भी चीज को शॉर्टेस्ट पाथ देना, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में। ये काम हम लोग इजीली कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रहा। तो कह सकते हैं कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज द वे टू फाइंड, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज द वे और इट प्रोवाइड द वे ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ। तो इसको क्या, पहला पॉइंट क्या हो सकता है, ये शॉर्टेस्ट पाथ को डिस्क्राइब करता है, शॉर्टेस्ट पाथ का डिस्क्रिप्शन देता है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के थ्रू मान लीजिए कि हमारे पास -1, -5, -4, 2, -3, -1, -6, -9, -9 या -7 इस तरह की वैल्यूज हैं और इनको हमको शॉर्ट करना हुआ। शॉर्टिंग का मतलब होता है, शॉर्टिंग इज अ टेक्निक बाय विच वी सॉल्व एनी पजल्स और वी सॉर्ट और फिल्टर आउट वैल्यूज बाय असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर और योर कस्टमाइज ऑर्डर। तो आपका अगर कोई कस्टमाइज ऑर्डर भी है असेंडिंग डिसेंडिंग के अलावा, तो आप उसका भी यूज करते हुए उसको फिल्टर आउट कर सकते हैं, उसको शॉर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए इसको अगर मुझको असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना हुआ तो मैं कैसे करूंगा, -1, -2 अगर कहीं पर होगा तो मैं उसको लिखूंगा, नहीं है -3 है, -3 को लिखा। तो अगर आप जो है असेंडिंग में देखें, ऐसे आप अगर डायरेक्टली लिखते हो तो ये मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि -1 और -3 को इस तरह से असेंडिंग में नहीं, या -1 तो -3 से बड़ा है, तो आप क्या करोगे, अगर माइनस की वैल्यू को लेते हो तो माइनस की वैल्यू में आपको कंसीडर क्या करना है, सबसे पहले सबसे बड़ी जो वैल्यू होगी, जैसे कि -9, -7, -3, -4, -5, -1, ये क्या है, एक असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग हो रही है, ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में किसी भी नंबर की सॉर्टिंग हो रही। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में इसको भी बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का ये दूसरा हमारा एग्जाम्पल रहा। चलिए अगर हम कहें कि कोई एक आदमी है जो कभी कभी झूठ बोलता है और कभी कभी सच बोलता है, कभी कभी झूठ बोलता है और कभी कभी सच बोलता है, तो इस तरह के सिचुएशन में भी अगर उस कंडीशन को हमको प्रूफ या डिसप्रूव करना हुआ तो भी हम क्या करते हैं, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का यूज करते हैं और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के थ्रू उसको इजीली सॉल्व कर पाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि पजल सॉल्विंग प्रॉब्लम के लिए भी हमारा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इजी वे में किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी पजल को सॉल्व कर देता है। तो हमारे पास तीन बातें आई, क्या है, पहली बात सॉल्टिंग, पहली बात क्या है, सॉल्टिंग, फिर क्या है, लॉजिकल, लॉजिकल प्रूफ, इसके पास लॉजिकल प्रूफ होता है, किसी भी चीज को
लॉजिकली कैसे प्रूव करना है, कैसे डिसप्रूव करना है, ये हम किसके थ्रू देखते हैं? डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के थ्रू हम इसको इजीली कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बेसिक सी बातें रही डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के बारे में कि जो है हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्या होता है, डिस्क्रीट सिग्नल्स क्या होते हैं या डिस्क्रीट क्वांटिटी क्या होती है, और हमने बात की कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को क्यों पढ़ें और इसका क्या यूज़ है, इसके बारे में भी बात करी हम लोगों ने। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, इस लेक्चर को एंड करता हूँ। हम लोग अगले वीडियो में कोर्स के ओवरव्यू को देखेंगे कि इस कोर्स में हम लोगों को कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करनी है, क्या क्या पढ़ना है, और इसके बाद हम लोग अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी, जो भी आपकी समस्याएं होंगी, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और आपके दोस्त जो कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स या किसी भी इंजीनियरिंग में हैं और उनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो आप इस लिंक को, इस चैनल को शेयर कर सकते हैं, उनको सजेस्ट कर सकते हैं ये वीडियो, और उनको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती रहेगी। अगर आपका कोई भी सजेशन या सुझाव, किसी भी तरह की सजेशन या आपकी शिकायत हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको उसकी सहायता दी जाएगी। अगर आपका सुझाव होगा, उस सुझाव को अमल भी किया जाएगा, उस तरह से आपको सॉल्यूशन दिए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय। आप देखते रहिए वीडियो को, शेयर करते रहिए। धन्यवाद।